कैंपस हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सेन और आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कि स्कूलों से जुड़ा हुआ है, शिक्षक से जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे को हमने इसलिए भी लिया है क्योंकि हाल ही में शिक्षक सम्मान समारोह हुआ, शिक्षक दिवस मनाया गया और उसमें शिक्षकों का सम्मान भी हुआ। हमारा टॉपिक आज का यही है कि आखिरकार आज अभिभावक अपने बच्चे को शिक्षक बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता। पहली प्राथमिकता अभिभावक की और खास तौर से अगर बच्चे को भी पूछें तो उसकी प्राथमिकता होगी कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और उसके बाद में नंबर कहीं ना कहीं अगर आए तो वो शिक्षक बनना चाहता है। हमारे साथ में शिक्षक भी जुड़े हुए, इन्हीं से हम जानना चाहेंगे। काफी समय से टीचिंग लाइन में ये लोग हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों की मानसिकता को भी पहचानते हैं कि आखिरकार बच्चा किस रूट पे जा रहा है, आज का बच्चा क्या कुछ चाहता है। हमारे साथ में सियाराम जी। सियाराम जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, आज का अभिभावक उसकी मानसिकता यह है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, शिक्षक नहीं बने? असल में क्या, आज की स्थिति में शिक्षा व्यवसाय नहीं है और जनता की जो विचार है, सोच है, वो व्यवसाय की तरफ बढ़ रही है जहां उनको अधिक से अधिक इनकम हो सकती है। ये एजुकेशन एक शिक्षा व्यवसाय के साथ साथ सेवा भाव है और सेवा का भाव बहुत सारे कम लोगों में पैदा होता है, इसलिए वो एजुकेशन के अध्यापक बनने के प्रति उनकी रुचि कम रहती है। आजकल ये जो चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे या अन्य किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहे, उस उधर इसलिए भागते हैं कि उनको पैसा पैकेज मिलता है, पैकेज की तरफ लोग जनता अधिक आकर्षित हो रही है। और यहाँ पैकेज नहीं है, यहाँ तो फिक्स मामला है, जितना है उसके हिसाब से ही उसको अपनी गृहस्थी का पालन करना पड़ेगा। तो अभी सोच जो बनी हुई है वर्तमान परिस्थितियों में, आर्थिक युग में, वो केवल व्यवसाय के प्रति बनी हुई है और जब तक ये व्यवसाय का चिंतन समाप्त नहीं होगा, विचार समाप्त नहीं होगा, तब तक वो सेवा भाव में नहीं आती। जोगेश्वर जी, आप टीचिंग लाइन में हैं, आपके दौर में हमने देखा था कि उस समय, हालांकि मैं भी जब टीचिंग लाइन में आया था, एजुकेशन लाइन में जब एंट्री मैंने ली थी, तो मेरे अभिभावक जो थे वो उस समय चाहते थे कि शिक्षक बने। लेकिन आज मेरे दौर में अगर मैं चाहूंगा तो मेरा बच्चा शायद, मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो शिक्षक लाइन में जाए। इसमें एक तब्दीली की जा सकती है विचार में? अनिल जी, मैं आपको इस विषय में इतना कहना चाहूं, चिकित्सा और शिक्षा बहुत पहले से, आजादी के बाद से, विशेष तौर पर जब सरकारों ने ये जिम्मा संभाला तो सेवा के लिए थे ये दोनों विभाग। आज इन दोनों में ही व्यवसाय सम्मिलित हो गया है। शिक्षक सरकारी और सरकारी चिकित्सक, ये दोनों सरकार से भी उपेक्षित रहे हैं। शिक्षा में तो सरकार ने वो संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराए, वो सुविधाएं भी नहीं दी, वो आकर्षण भी पैदा नहीं किया, जिससे और एक शिक्षक का सम्मान भी कम हुआ है। नो डाउट इसके लिए दोषी कौन है, ये अलग चिंतन का विषय है, कई फैक्टर हैं दोषी इसमें, लेकिन शिक्षक का सम्मान भी कम हुआ है। पहले सम्मान के लिए ये इस सेवा में आया जाता था, पैसे का महत्व नहीं था। आज आर्थिक युग है, पैसे की खातिर लोग बड़े बड़े जहां से पैसे के सोर्स हैं, और मैं कहता हूं डॉक्टर्स भी आपने देखा होगा, इंजीनियर भी गवर्नमेंट जॉब में जाना पसंद नहीं करते, वो या तो कंपनियों में या वो अपना निजी क्लिनिक खोल करके अपना काम करते हैं, क्योंकि वहां पैसा है। सरकारी डॉक्टर को कितना फिक्स पे मिलती है। इसलिए इन मुद्दों को देखते हुए अभिभावक भी ये सोचता है कि क्यों ना हम हमारे बच्चे को उन पैकेजों के लिए तैयार करें बचपन से। ये एक अभिभावक की मानसिकता में अंतर आया, बदलाव आया। सियाराम जी, एक यहाँ पर बात आई है कि शिक्षक के सम्मान में कमी आई है, आपको भी लगता है क्योंकि आपका काफी अनुभव इस लाइन में रहा है? पहले बच्चों का सम्मान टीचर के प्रति कहें या अभिभावक का सम्मान शिक्षक के प्रति कहें, क्या उसमें कुछ कमी लगती है? देखो, अब प्रारंभ की जब चर्चा करते हैं तो शिक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग था और सभी लोग शिक्षकों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अब परिस्थितियां बदल रही हैं, अर्थ प्रधान युग जिसको कह सकते हैं, वो ऐसी पोजीशन आज के समय में पैदा हुई है, तो सम्मान में कमी है। जो योग्य शिक्षक हैं, प्रभावी शिक्षक हैं, अपने विषय का उसका पूरा ज्ञान है, समय पर आते हैं, समय पर जाते हैं, विद्यालय में शिक्षण काम पूरा करते हैं, तो मैं समझता हूँ आज की तारीख में उनके प्रति वो ही सम्मान है जो पहले था। कहीं हम में कोई कमी आई है, ऐसा कम परसेंटेज हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि इसमें राजनीति घुस गई, एजुकेशन में पहले से राजनीति नहीं थी,
अब राजनीति कुछ कही है, ट्रांसफर करना है तो राजनीति के आधार पर होगा, पाठ्यक्रम बनेगा तो राजनीति के आधार पर होगा, विद्यालय खुलेंगे तो राजनीति के आधार पर खुलेगा, सारे काम जो है राजनीति के आधार पर होने लगे हैं। इससे भी जो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनमें कुछ शिक्षक भी हो सकते हैं, तो उनकी वजह से कहीं माहौल कहीं खराब हो, उनका सम्मान नहीं हो तो नहीं हो नहीं। आज भी बहुत सारे शिक्षकों का जब वहां से ट्रांसफर होता है या रिटायरमेंट होते हैं, सारा गांव सारे बच्चे उसके पीछे बड़े सम्मान के साथ खड़े होते हैं। तो सम्मान में कोई कमी आई है ऐसा तो नहीं कह सकते, केवल अध्यापक जी सोचने लगा अगर सम्मान में कमी आई है। और फिर ऐसे अध्यापक जो कोई बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं वगैरह वगैरह जो है, हो सकता है उनके सम्मान में कोई कमी आई हो। बाकी का जो सात्विक प्रवृत्ति का अध्यापक है, ईमानदारी से अपने काम के प्रति वो समर्पित है, मैं समझता हूँ उसके सम्मान में कोई कमी आता नहीं। बिल्कुल, अगर ईमानदारी से निभाया जाए इस कर्तव्य को तो सम्मान में कमी नहीं है। गुरुकुल के समय भी अगर देखा जाए तो बच्चा जो है वो शिक्षक के भरोसे रहा करता था, लेकिन राजनीति घुस गई। एक नई बात इसमें यह भी आ गई है कि शिक्षक के इस वर्ग के अंदर पॉलिटिकल ज्यादा फंडा यहां पर देखा जा सकता है। हमारे साथ और भी शिक्षक यहां पर हैं, क्या नजरिया क्या लगा? क्योंकि आज एक समय जब था गांव के अंदर किसी टीचर ने अगर कोई बात कह दी, 20 लोगों के बीच में कह दी, 50 लोगों के बीच में कह दी, तो वो ये होता था कि ऑथेंटिक है, टीचर ने कहा है तो ये बात सही है। लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं कि राजनीतिकरण होने की वजह से, या शिक्षक गुस्सा है, या राजनीति शिक्षकों के बीच में आई है उसकी वजह से यह कुछ सम्मान की कमी है? देखो दोनों ही चीजें इसमें प्रभावित हैं। वो जमाना जब हम वैदिक काल की ओर चलते हैं, उस समय में शिक्षक का इतना आदर था, उसका कई कारण थे, क्योंकि वहां शिक्षक की समस्त पूर्ति राजा करता था, या तत्कालीन जो भी वहां का मुखिया था वो उसकी पूर्ति करता था। आज परिवेश अलग हो गया, आज शिक्षक स्वयं की पूर्ति, आजीविका पूर्ति खुद करता है। अब उस आपूर्ति के लिए वो कई प्रकार के ट्यूशन इत्यादि भी करते हैं शिक्षक, और जो इस प्रवृत्ति में उतर गए निश्चित रूप से उनके सम्मान में कमी तो आएगी, क्योंकि अपने मूल धर्म से वो विमुक्त हो गए। अब सवाल यह है कि शिक्षक और अभिभावक का जो जुड़ाव पहले था वो अब नहीं रहा। इसका कारण है कि पहले समाज में शिक्षक ही ज्यादा शिक्षित हुआ करता था, उसकी बात को सर्वोपरि माना जाता था, उसके फैसले को पूरा गांव नतमस्तक होकर मानता था। लेकिन आज क्या शिक्षा का प्रसार भी ज्यादा हो गया है, संसाधन खूब हो गए शिक्षा के, सब लोगों में जागृति आ गई, इसलिए शिक्षक भी यदि चाहे कि अपने हिसाब से फैसले करे तो वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन बदला जो परिवेश, जो बदलाव यहाँ पर आया है, आज आप क्या फील करते हैं? आपके स्टूडेंट से कितना जुड़ाव आप लोगों का है? अभिभावक क्या राय आप लोगों से लेते हैं? कई बार ऐसा लगा कि आपको जो पहले का दौर है वो दौर अभी भी यहाँ पर है, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये टीचर तो बीजेपी माइंडेड है, ये टीचर कांग्रेस माइंडेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए? ना, ऐसा तो महसूस नहीं हुआ है। जो अच्छे शिक्षक हैं उनसे राय लेते हैं, बच्चे जैसे उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं तो उनके घर वाले पूछते हैं अब आगे कहाँ भेजना चाहिए इनको, किस क्षेत्र में आगे भेजना चाहिए। और मैंने पहले ही कहा कि जो शिक्षक अपनी आजीविका से विमुक्त हो गए हैं अर्थात अन्य कोई उसमें लग गए हैं, उनका सम्मान समाज में कम है, उनसे कोई राय भी नहीं लेता है। नहीं, लेकिन एक चीज और भी कई बार देखने को मिलती है कि कई बार अभिभावक कहते हैं कि टीचिंग लाइन में क्या है, टीचर स्कूल जाता है तो जाता है, नहीं जाता तो नहीं जाता है, 5 घंटे वहां पर पढ़ाई करनी है, 6 महीने तक की छुट्टियां ही आ जाती है। तो ये जो अभिभावक के अंदर माइंड सेट जो हुआ है, क्या टीचर की कमी है या फिर अभिभावक के अंदर जो मानसिकता ये पनपी है, क्या वजह लगती है आपको? देखो, एक तो बड़ा मुद्दा ये भी है कि अधिकार और कर्तव्य का भी, और जो आप बताए जैसे चिकित्सा है, इंजीनियरिंग है या प्रशासनिक सेवा वगैरह है, उनमें कर्तव्यों के साथ साथ अधिकार भी उनके पास होते हैं। टीचर्स को अगर आप देखा जाए तो स्कूल के अलावा भी इतने सारे काम होते हैं उनके पास कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वो और ज्यादा बर्डन को मिलता है। जैसे चुनाव होते हैं तो हर काम में BLO से लेकर के ऊपर तक के जितने काम होते हैं उनमें टीचर्स को लगाते हैं, जनगणना होती है तो उनमें सबको लगाते हैं। ऐसा कोई जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है या प्रशासनिक अधिकारी, इनको बताइए आप इनको कब चुनाव में लगाया, कब BLO लगाया, कब, तो ये भी बड़ा मुद्दा है। टीचर आज का चाहता है कि उसका बच्चा टीचर ही बने, क्योंकि आज ऐसा बदलाव आ रहा है, किसान नहीं चाहेगा कि उसका बेटा किसान बने, टीचर भी शायद नहीं चाहता है, हालांकि आप चाहें या नहीं चाहें, लेकिन अधिकतर अगर देखा जाए तो टीचर भी नहीं चाहता है। वही बड़ा मुद्दा जो मैंने बताया अभी कि जो टीचर जो भुगत रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि जो मैं भुगत रहा हूँ वो करूं। मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्योंकि उनको अधिकारी मिलेंगे, साथ में व्यवसाय की जैसे बात कर रहे हैं अभी हम लोग, तो वो भी है वहाँ, अच्छा पैसा भी है, सुविधाएं भी हैं। तो ये पैसा और सुविधा जो बढ़ रही हैं टीचिंग लाइन में नहीं, हालांकि पहले के मुकाबले ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ बढ़ा है, संसाधन जरूर आए, हालांकि वर्कलोड जरूर बढ़ा होगा। क्या लगता है आपको कि टीचर के ऊपर वर्कलोड ज्यादा बढ़ा है मुकाबले पिछले दिनों के, पिछले वर्षों के मुकाबले अगर देखा जाए, जिम्मेदारियां भी ज्यादा बढ़ी होंगी? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा
कि शिक्षक नहीं बनना चाह रही भावी पीढ़ी, ये गलत है। आज हमारे लगभग 1.25 लाख लोग बच्चे हर साल बीएड इंटर्न के रूप में बीएड कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। इसका मतलब ये जॉब आज भी उतना ही नोबल है जितना पहले कभी हुआ करता था। एक काम के प्रकार में जरूर एक तब्दीली आई है। पहले शिक्षक का कार्य केवल शिक्षण होता था, अब शिक्षक का कार्य शिक्षण से ज्यादा और दूसरी चीजों की तरफ डाइवर्ट हो गया है, और इस वजह से वो बच्चों से उनका जुड़ाव जो होना चाहिए था, 6 घंटे का जो बच्चों से जुड़ाव होता था उनका, वो अब 2 या 3 घंटे का ही रह गया है। एक इंटरेक्शन जो बच्चों से और शिक्षक के बीच में होता था, वो इंटरेक्शन में समय में कमी आई है। इस वजह से निश्चित रूप से हम ज्यादा बच्चे से टच में रहेंगे तो सम्मान में भी उतना ही इजाफा होगा, और बच्चे के टच में नहीं रहेंगे तो वो सम्मान बच्चा करेगा हमारे ज्ञान का। क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट करे या टीचिंग लाइन से, ऐसा कुछ हो सकता है कि शिक्षक संगठन अपने आप बैठ के कुछ ऐसा ही मंत्रणा कर रहे हैं, बैठक करें, एक राय यहां पर करें कि कुछ समय ज्यादा दिया जा सके? इसका तो क्योंकि नीति नियंता सरकार है, तो निश्चित रूप से सरकार के लेवल पर ही ये कार्य होना चाहिए कि शिक्षक को एक केवल शिक्षक ही रहने दिया जाए। बाकी अन्य कार्य जैसे बीएलओ है, चुनाव कार्य एक ये है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसका ये है कि 5 साल में एक बार जब वो चुनाव कार्य होते हैं तब शिक्षक को उसमें लगाना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन बीएलओ के रूप में उसको साल भर चुनाव कार्य के रूप में थोपकर और उसको ये काम करवाया जाता है। जैसे अभी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक बीएलओज को आधे दिन का अवकाश है, वो फील्ड में जाकर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से वो आधे, और एक एक स्कूल में 4-4, 5-5 बीएलओज है, तो वो जो बीएलओज है उनकी जगह वो आधे दिन का कार्य कौन करेगा? लेकिन फिर भी शिक्षक सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय, वर्कलोड एक तरफ और फिर सम्मान, क्या लगता है कि इन चीजों से, सम्मान समारोह आयोजित करने से शिक्षक को मोटिवेशन मिलेगा फिर, क्योंकि वर्कलोड से पहले वो शिक्षक दबा हुआ है, तो ये जो सरकार की पहल है सार्थक हो पाएगी कि, या फिर वर्कलोड वहां पर कम किया जाए? नहीं, सम्मान तो निश्चित रूप से, जब 4 लाख लगभग टीचर्स हैं तो सम्मान 33 टीचर्स को मिल रहा है उसकी तुलना में 109 या 110 टीचर्स को मिला है, तो निश्चित रूप से वो तो एक अच्छी पहल है। लेकिन जो यहाँ पर फिर मुद्दा वही आता है कि टीचर को एक बिल्कुल प्योर टीचर जब आप बनाकर रखेंगे तो जो आज सरकारी स्कूलों की जो स्थितियाँ हैं वो धीरे धीरे बदलाव बहुत आया है, अटैचमेंट हुआ है स्कूलों से फिर से पेरेंट्स का, लेकिन उसमें निश्चित रूप से जो 20 साल पहले स्थितियां देखने को मिलती थी, छात्र संख्या सरकारी स्कूल भरे रहते थे, वो स्थिति एक बार फिर से निश्चित रूप से आएगी अगर ऐसा होता है तो। जो टीचर स्टूडेंट का मोटिवेशन बढ़ाए उसको कहीं आगे लाए, खुद प्रताड़ित होता है इस मामले में? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, टीचर के व्यक्तित्व पर पड़ता है। अभिभावक और विद्यार्थी सोचते हैं, उन्हें ये पता नहीं कि शिक्षक किस काम से गया है। हर अभिभावक और बच्चा नहीं समझता है, गुरुजी आए आधे दिन और चले गए, पता नहीं कहाँ गए, आते ही नहीं है। अगर साल भर ऐसा क्रम रहता है, पिछले 2 साल से यही क्रम चल रहा है विद्यालयों का, उसके बावजूद भी दूसरा काम ये जो अभी दूध का है उसमें 1 घंटा खर्च होता है, प्रार्थना सभा में दूध पिलाने का काम किया जाना चाहिए, निर्देश ये हैं। 25 मिनट में मैं उन अधिकारियों को चुनौती देता हूँ, वो आके पिलाएं विद्यालय में, 250 बच्चे मिडिल स्कूल में, अब पिलाओ 250 बच्चों को 25 मिनट प्रार्थना सभा के दौरान, समय घंटा, तो वो समय किसका जा रहा है, बच्चों का जा रहा है, नुकसान शिक्षा का हो रहा है, शिक्षार्थी का हो रहा है, शिक्षक तो अपनी उपस्थिति दे रहा, क्या ये काम शिक्षक का है, पोषाहार है, अन्य अन्य काम है। विद्यालय में शिक्षक की उपस्थिति 6 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य हो, उसको पूरा समय शिक्षण कार्य के लिए मिले, तब हम उम्मीद सरकार को करनी चाहिए कि बेहतर परिणाम आए, और नहीं आए तो उनके बारे में सोचा जाए। फिर भी इसके विपरीत परिस्थिति, इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी शिक्षक, आप देखिए पिछले 2 सालों का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परिणाम सरकारी विद्यालयों का 90 और 92% 10th और 12th का रहा है, जो राजस्थान के इतिहास में उत्तरोत्तर वृद्धि है, बहुत बड़ी वृद्धि है। चलो रिजल्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारी चर्चा जारी है कि आखिरकार शिक्षक का सम्मान कैसे बढ़े, और टीचर अगर टीचिंग करवाता है तो उसके बाद में मोटिवेशन के बाद में वो स्टूडेंट कब जाकर कहेगा कि उसको पहली प्राथमिकता में टीचर बनना है। चलो फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं,
ब्रेक के बाद में हमारी चर्चा जारी रहेगी। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कैंपस हलचल के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आखिरकार एक शिक्षक को तैयार करेगा, एक स्टूडेंट को इस तरह से तैयार करे कि वो भविष्य में शिक्षक बने। हमारी चर्चा लगातार जारी है, शिक्षकों के बीच में हम लोग हैं। सर, क्या मानते हैं आप, आज के दौर के अंदर टीचर अपने सम्मान को पाने के लिए ही संघर्ष करता रहता है बजाय एक स्टूडेंट को अच्छी तरह से तैयार करने? सही है, ये विभागीय नियम ही कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि जो शिक्षक सम्मान लेना चाहता है वो खुद आवेदन भरे। भाई, हमारे अधिकतर जो अच्छे टीचर्स हैं उनका तो इस बात से ही मूड खराब हो जाता है, ये अप्लाई नहीं करते कि हम अपने सम्मान के लिए खुद अप्लाई करें। ये तो बहुत ही गलत बात है। यदि सम्मान करना है तो आप स्कूल का रिजल्ट देखें, व्यक्तिगत रिजल्ट देखें, उसके आधार पर डिपार्टमेंट सम्मानित करे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे सम्मानित होने वाले शिक्षक हमने कई देखे हैं, उनके रिजल्ट्स पर गौर नहीं किया जाता लेकिन वो राजनीतिक अप्रोच या और किसी कारण से सम्मानित हो जाते हैं, जबकि उनका पिछला रिजल्ट देखा जाए तो वो इतना सम्मानजनक नहीं रहा। इससे शिक्षा विभाग में सम्मानित होने वाले शिक्षकों की प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मायने रहते हैं अगर ऐसे में शिक्षकों को सम्मान किया जाए कि एक तो शिक्षक के ऊपर वर्कलोड, संसाधन पूरे नहीं, रिजल्ट ठीक नहीं आता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है, तबादलों के लिए वो नेताओं के मंत्रियों के यहाँ चक्कर लगाता है और उसके बाद में एक शिक्षक सम्मान प्रदेश स्तरीय एक साल में किया जाता है, तो इसके कुछ मायने रहते हैं फिर? मेरे हिसाब से तो मायने कि इतना समय ही नहीं है, मतलब जितना एक शिक्षक को समय मिलता है उसके आधार पर यदि वो रिजल्ट दे रहा है तो रिजल्ट को ही मेन आधार बनाकर यदि सम्मानित किया जाए या क्राइटेरिया 2-3 फिक्स कर दिए जाए। और दूसरे भाषा में, ऑनलाइन आवेदन व्यक्ति के द्वारा खुद करना ये किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है। कोई व्यक्ति खुद आवेदन करे कि मेरे को सम्मानित किया जाए, ये किस हिसाब से सही है? इसके एक मापदंड बनाए जाए, हमारे उच्च अधिकारी एक पैमाने बनाए और उस पर हर टीचर का आकलन करें और आकलन करने पर जो टॉप रहता है उसको सम्मानित करें। उस सम्मानित करने का एक अच्छा इफेक्ट होगा, अपने आप टीचर मोटिवेट होंगे। एक हमारी चर्चा चल रही है कि आखिरकार एक शिक्षक अपना सम्मान कैसे पा सकता है, सरकार से गुहार लगा के, सरकार से सुविधाएं छीन कर, या सरकार की नजर में ऐसा कुछ लाया जाए ताकि आपको वो सब संसाधन मिले। तो ऐसे क्या संसाधन है, क्या रास्ता हो सकता है कि एक टीचर को पूरा वो सम्मान मिले जो कि पहले मिला करता था? मेरा तो मानना यह है कि यदि किसी शिक्षक के रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं, विद्यार्थी स्कूल लाइफ से निकलकर यदि बाहर जाके फील्ड में उस टीचर को याद करता है तो शिक्षक के लिए सबसे बड़ा सम्मान तो वो होता है। जहां तक विभागीय बात है तो विभागीय जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा इस कदर चेंज किया जाना चाहिए कि यदि टीचर कोई अपने ही लेवल पे इतना प्रयास कर रहा है तो उस प्रयासों को देखते हुए जो वास्तव में सम्मानित होने वाला है उसको सम्मानित किया जाए। यदि अप्रोच से या ऑनलाइन खुद आवेदन भर के यदि कोई सम्मानित हो रहा है तो मेरा तो मानना उचित नहीं है। क्या लगता है आपको कि आज के स्टूडेंट के आइडियल का लगता है कोई शिक्षक बचा है, या फिर शिक्षक को कैसे आइडियल स्टूडेंट का बनाया जाए, इसका कोई रास्ता है? ऐसी बात नहीं है, शिक्षक आज भी बच्चों को उस हिसाब से तैयार करते हैं कि वो भविष्य में जाकर एक अच्छे शिक्षक बने, क्योंकि शिक्षक का चरित्र साफ साफ बच्चे पर नजर आता है, विद्यार्थी पर नजर आता है। जैसा शिक्षक होता है उसका चरित्र उस बच्चे पर नजर आएगा। यदि शिक्षक ने ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे तो निश्चित रूप से उसका विद्यार्थी ईमानदार रहेगा जीवन में, चाहे वो आजीविका प्राप्त करे या नहीं करे, लेकिन उसमें संस्कार जरूर सुरक्षित रहते हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं है, शिक्षक का सम्मान भी है। प्रतिवर्ष जैसे शिक्षक दिवस मनाया जाता है उस दिन आप देखो ढेरों शुभकामनाएं शिक्षक को मिलती हैं। अब जिनको नहीं मिलती उनको आत्मावलोकन का विषय है, उनको क्यों नहीं मिलती है, उनको खुद को आत्मावलोकन करना चाहिए कि हमने कहीं ना कहीं अपने कर्म से धोखा किया है। अगर प्रॉपर कर्म नहीं किया है तो निश्चित रूप से वो आदर प्राप्त करने का अधिकारी। क्या इसमें एक वजह यह भी मानी जा सकती है कि पिछले दिनों से अगर हम पिछले 15 साल का ट्रैक देखें, सरकारी टीचर की भर्ती काफी कम संख्या में हुई है, तो ऐसे में यह भी एक लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इस ट्रैक पर जाएंगे तो बेरोजगारी वाले ट्रैक पर हम चले जाएंगे, रोजगार नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से यह है, प्रशिक्षित शिक्षक जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और उनके अनुपात में जो वैकेंसीज हैं बहुत कम निकाली जाती है, जो निकाली जाती हैं वो भी समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में जो छात्र हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनमें मन में थोड़ी कुंठा होती है और वो दूसरी साइड में जाने की कोशिश करते हैं। वजह है बेरोजगारी भी है कहीं ना कहीं कि इस लाइन के अंदर
हमने देखा है कि निजी स्कूलें ज्यादा पनप रही हैं, वहां पर वेतनमान भी कहीं ना कहीं कम है, 5 से 10 हजार में एक प्राइवेट टीचर, लेकिन वहां पर जो संख्या बल स्टूडेंट की वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा। सरकार को देखना होगा कि आखिरकार जो अनुपात यहां पर लगाते हैं कि इतने शिक्षकों की जरूरत है, एकीकरण कर दिया जाता है, स्कूलों का मर्जिंग वहां पर कर दिया जाता है, इससे भी कहीं ना कहीं जो पदों पर ये कहा जाए तो कैंची चलती है, उससे शिक्षक भर्ती जो होनी चाहिए शायद वो नहीं हो पाती है। और यही वजह है कि आज युवा वर्ग के अंदर कहीं ना कहीं उसके माइंड सेट के अंदर जो पहले था कि वो टीचर बनेगा, उस लाइन के अंदर वो आना चाहता था, एंट्री वो लेना चाहता था, शायद वो नहीं ले पा रहा है। और इस कुंठा को युवा वर्ग के दिमाग से कैसे निकाला जाए, इसी बात को लेकर चर्चा है। क्या लगता है कि युवा वर्ग के दिमाग से, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा प्रभावी मापदंड कह सकते हैं आप, शिक्षक ही जो है स्टूडेंट के दिमाग में बताता है कि उसको टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो क्या इस शिक्षक इसको मानसिकता को तैयार कर पाएगा स्टूडेंट को? देखिए, पहली बात तो मैं फिर से जो मैंने पूर्व में कहा, मैं ये बताना चाहूंगा कि शिक्षक आज भी युवा पीढ़ी बनना चाह रही है, और इसका ज्वलंत जो उदाहरण है वो ये है कि 1.25 लाख स्टूडेंट आज भी हर साल बीएड करके निकल रहे हैं, वो केवल राजस्थान से। बाहरी जो बीएड करके आ रहे हैं वो उनकी संख्या अलग है। मैं सरकार से जो शिक्षक सम्मान के बारे में ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक को शिक्षक ही रहने दिया जाए। आपको ध्यान होगा कि हमारे जो सर्वकालिक महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, जब उनसे पूछा गया कि आप शपथ ग्रहण समारोह में किसको बुलाना चाहेंगे, तो उनका ये जवाब था कि मेरे जो प्राइमरी के शिक्षक हैं उन्हें मैं शपथ ग्रहण समारोह में जरूर बुलाना चाहूंगा। तो शिक्षक की गरिमा आज भी उतनी ही है। सरकार की तरफ से अगर कमी है तो सरकार की तरफ से नजर आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल में प्रॉपर नहीं है, पीने का शुद्ध पानी नहीं है, आज भी बहुत सी विद्यालयों में बिजली नहीं है, बिल्डिंग प्रॉपर नहीं है। एक मजदूर का बच्चा भी ये सोचेगा कि जिस स्कूल में कमरे ही दो हैं और कक्षाएं 8 चल रही है, मेरा बच्चा बैठेगा कहाँ? तो वो भी ये सोचेगा कि मेरे बच्चे को कम से कम बैठने के लिए छायादार कमरा। यानी कि प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर फर्नीचर वगैरह जो है वो स्कूलों में होनी चाहिए, क्या उससे फर्क पड़ेगा कुछ? अगर प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर फर्नीचर सरकारी स्कूलों में रहेंगे, उसकी तरह की ड्रेस आप अगर स्टूडेंट को मिलेगी? जी ऐसा है, इसमें पेरेंट्स की सोच ही है, भौतिक युग है ये, और भौतिक युग में हर पेरेंट चाहता है कि मैं मेरा बच्चा कुछ बड़ा आदमी बने। वो बनना नहीं बनना तो बाद की बात है। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई का जो माहौल कम हुआ उसका मुख्य कारण है गैर शैक्षणिक कार्य इतने हैं कि टीचर सुबह से शाम तक करता है तो भी पूरे नहीं होते हैं, क्लास में जाने को फुर्सत नहीं मिलती है। एक आखिरी सवाल सियाराम जी आपसे, क्या अभिभावक का दबाव रहता है या स्टूडेंट, क्योंकि आप तो डायरेक्ट स्टूडेंट से जुड़े हुए रहते हैं, उसकी मानसिकता ही होती है कि मैं टीचिंग नहीं या डॉक्टर लाइन में जाऊं, क्योंकि उसकी ये भी तो मानसिकता हो सकती है कि मैं उसको टीचिंग लाइन में जाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दबाव तो समाज, जैसे समाज में वो रहता है, मतलब हर हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी तक बच्चा अपने स्कूल में रहता है, वहां उसके दिमाग में इस प्रकार का कोई विषय ही नहीं रहता कि मुझे क्या बनना है क्या बनना। जब 12वीं क्लास में पहुंचता है तो कुछ मानसिकता उसकी बदलती है। जब हायर एजुकेशन में जाता है या दूसरे लोगों को, समाज के लोगों को देखता है कि भाई वो इस विषय में इस नौकरी में जा रहा है, वो उस नौकरी में जा रहा है, अलग अलग क्षेत्र जब उसके बढ़ते हैं, तो हर बच्चे का दिमाग यही रहता है कि आज के अर्थप्रधान देश प्रवेश में हमको अधिक से अधिक पैसा कहाँ से हम कमा सकते हैं, उसकी तरफ उसका झुकाव होता है। बाकी आज की डेट में टीचर्स बहुत क्वालिफाइड आ रहे हैं, जैसे IAS RAS की तैयार होती है वैसे शिक्षकों की तैयार होती है, कई कंपटीशन से उनको गुजरना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षकों का बच्चों का झुकाव शिक्षक बनने के लिए नहीं है, बहुत काफी है। जैसा कि बताया गया 1.25 लाख करीब यहाँ निकल रहे हैं, और 1.25 लाख में से आधे भी सर्विस में आ जाए सरकारी में या कहीं जो प्राइवेट स्कूल हैं। ये प्राइवेट स्कूलों के मेरा ये सोच है कि उनमें अध्यापक सरकार के माध्यम से नियुक्त किए जाने चाहिए, उनकी सैलरी नियुक्त की जानी चाहिए, फिर कितने प्राइवेट स्कूल चलते हैं तो पता लग जाएगा। अब आज क्या है, वो अपने हिसाब से भर्ती करते हैं, अपने स्कूल से अपने हिसाब से वो चलाने का प्रयास करते हैं, तो ये आज की स्थिति में ठीक नहीं। सरकार इनका अपॉइंटमेंट करे और उनका वेतन फिक्स करके, इतना वेतन तो आपको देना ही पड़ेगा, तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल बंद ही हो जाएंगे। दूसरा, सम्मान की बात तुमने की, सम्मान कोई खरीदने की चीज नहीं है कि बाजार से खरीद करके कोई दे देगा या हम खरीद लेंगे। सम्मान मिलता है अध्यापक के
कार्य से, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, उस अपने कार्य के प्रति उसका कितना समर्पण भाव है, यदि उसके मस्तिष्क में ये होगा कि मैं अध्यापक हूं, मुझे अध्यापक का सारा काम ठीक तरीके से करना है, तो निःशुल्क से उस अध्यापक का सम्मान आज की तारीख में भी समाज में उतना ही है जैसा कि पहले समय। बिल्कुल सही कहा सियाराम जी आपने। और आज भी इस दौर में कई टीचर आपको ऐसे मिलेंगे जो ड्यूटी टाइम भले ही उनका 6 से 6.5 घंटे का होगा, लेकिन इससे ज्यादा ही समय अपने स्कूलों में देते हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार मानसिकता में बदलाव कब आता है, अभिभावक अब फिर से घूम ये कब कहेंगे कि उसका बच्चा शिक्षक बने, स्कूलों में जाकर बच्चों को तैयार करे, बच्चों को पढ़ाए, और ये जो समय है, जो बदलाव है, ये दोबारा से ट्रेंड होकर और घूमकर फिर कब यहां पर आएगा, ये इंतजार करने वाली बात है। लेकिन कैंपस हलचल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।